So what is the significance of this that you have written in the formula? So coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction. ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी होती है उस वक्त जो उस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस सेट कर रहे होते हैं वो सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब सेट कर रहे होते हैं, मगर जब मशीनरी मोशन में आ जाती है, ऑब्जेक्ट्स मोशन में आ जाते हैं, उस वक्त जो उसको मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस या एनर्जी चाहिए होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से चाहिए होती है। तो दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंसेस हैं। स्टेशनरी को मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं, और मोशन में जब ऑब्जेक्ट है, मशीन है, पार्ट्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी की फर्दर जरूरत होती है, कितने फोर्स की जरूरत होती है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ सरफेसेस है जो इस प्रकार से हमको एक्सपेरिमेंटेशन में पता चलता है कि इस प्रकार से ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह फर्दर करते हैं उनके हिसाब से। यही पूछना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं बेटा? नो सर।